अरे बेटा, कपड़ा पहन लिए तुम्हारा ना? ये क्या, ये सब लिपस्टिक लगा रही हो? देखी हो, इतने लोग आएंगे, अभी कुछ कुछ बोलेंगे, जानती हो ना कैसे बोलते हैं। अरे कुछ नहीं बोलेंगी मम्मी जी, लीजिए आप ये सब छोड़िए, आप मिलाइए। बाबू जी, अभी तक साजा सिंगार हो रहा है यार, हम बस एकदम हैं लाल लिपस्टिक लगा के बहू से ही अब कंपटीशन हो रहा है। हमसे कंपटीशन? अरे बुआ जी, हम इनसे कंपटीशन करते हैं। मेरे दोस्तों की सास ऐसे फूहर की तरह रहती है ना, इनको देखिए टिप टॉप एकदम। अब देखिए, आप इनसे 3 ही साल बड़ी हैं, पर आपको ये झुर्रियां वगैरह ना, ऐसे बाल आप पूरे सफेद अफेद रखती हैं। इनको देखिए, एक झुर्री नहीं है चेहरे पे, और बाल बाल इनके हमसे लंबे लंबे हैं। अरे हमको थोड़ा पंडित जी बुलाए थे हमारे यहाँ। ननद है मेरी, ननद होंगी अपने घर की। मेरी मम्मी जी को कोई कुछ कहेगा ना, फिर देखिएगा। हाँ तो मेरी एकदम हमको पड़ी है बहू, वो तो ऐसी। अब तो नए शहर में जाना है, घूम घूम लोगे खूब, अब तो वही रहना है। अरे तो जा कहाँ रहे हैं? हम मना कर दिया ना, जा कहाँ रहे हैं? कहीं ट्रांसफर हो रहा था ना, हमको नहीं मिलेगा ना ट्रांसफर। अरे अब दोनों लोग समझदार हैं, सोच समझ के ही किए होंगे। अरे वहाँ तो ज्यादा पैसा मिलता बता रहा था, नहीं मिलेगा ट्रांसफर तभी कह रही है। अरे सब हो जाता है। नहीं वो अजीम शादी के वक्त ही ले लिया था ना, तो इतनी जल्दी नहीं देते। अरे तो अब पढ़ी लिखी हो, वहां तो तुम दूसरा नौकरी भी खोज सकती थी, इतना आसान काम है बुआ जी। अरे अब जो काम कर रहा है उसको पता होगा ना दीदी, हम लोग क्या जानेंगे। अरे वो सब हम सब समझ रहे हैं, अब बताओ, इतना बढ़िया ज्यादा तरक्की का जो मौका था वो छूट गया ना, हम क्या बोल सकते हैं पति पत्नी के बीच में। अरे इतना पैसा लगा है उसकी पढ़ाई में। हाँ उसके घर वाले तो पसेरी भर धान दे के पढ़ाए उसको, जितना हम किए उतना उसके घर वाले भी किए, तो हम उसको क्यों कहें? हमेशा लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है। नहीं वो मतलब नहीं था मेरा। सुनो सैनिटरी लेते आना, और आइसक्रीम भी। क्या मंगा रही है? सेटरी? सैटरी नहीं बुआ जी, सैनिटरी, पीरियड्स के लिए। अरे दीदी पैड, पैड महीना में इस्तेमाल करती है ना, अपने आदमी से कोई पैड मंगाता है? हाँ तो और किस? हाँ तो अपने ही आदमी से तो मंगाएगी, तो उसको ये सब पता होना चाहिए। हाँ तो वो भी पढ़ा है, उसको पता है। अच्छा, अरे ये सब चीज क्यों छुएगा वो? इस्तेमाल किया हुआ थोड़ी बेचते हैं हम लोग। ऐसे आदमी खाना खा रहा है तो वहाँ से हट जाते थे, छूते तक नहीं थे महीना में। तब तो लोग इतना ज्यादा। हाँ तो हम लोग कितना नहीं है ना इन लोगों का, हम लोग कभी मंगाए इतना हो गया किसी को पता चला ऐसे? तो आजकल के लोग समझते हैं कि इतना खुल के बात करने का कोई जरूरत नहीं है, उसको काहे बताना ये सब। अभी परसों ही आप कह रही थी ना कब दादी बना रही हो, कैसे नहीं पता होना चाहिए? चुप चुप चलनी खेल के बनाएगी दादी आपको। बुआ जी और चाय लेंगी आप? नहीं नहीं हमारा हो गया। अच्छा मम्मी जी आप? नहीं हम भी नहीं लेंगे। ठीक है, चाउमीन उमीन बन रहा है क्या? हाँ अभी बना ही रहे, मंचूरियन बना रहे। काहे कोई आ रहा है? छोटी बहन आ रही है ना इसकी। अच्छा कितनी छोटी है तुमसे? 2-2.5 साल छोटी है, शादी नहीं हुआ है ना अभी उसका। नहीं उसको करनी नहीं है बुआ जी। अरे तो कर, ये तो सब कहता है कि नहीं करना है, उसका घर वाले खोज भी नहीं रहे। नहीं मन होता है दीदी किसी किसी का, अब आजकल जमाना बदल रहा है ना। फुफा जी का फोन है तुम्हारे, बताओ आदमी 4 बार पूछ रहा है, अब कोई नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती करेंगे? अरे तो खोजेंगे तब ना, अब हर कोई बोलेगा नहीं करेंगे ऐसे तो। मम्मी पापा तो चाहते हैं कि करे, पर अब नहीं करना है उसको तो फिर कोई फोर्स थोड़ी कर सकता है। कुछ ज्यादा ही फॉरवर्ड है तुम्हारे यहाँ तो लोग। ऐसे क्या बोल रही है, बल्कि और अच्छा ही है, अपने बच्चों पर कुछ थोपते नहीं है अपना। अरे एक बार हम कहीं आके कहीं बैठ नहीं सकते क्या? एक काम आपसे अपना नहीं होता है? तो शादी वादी उसका ढूंढना चाहिए भाई, उसको कहो कि करे, अब वो औरत ही क्या जो बिना आदमी के रहे। बुद्धिमान। सहिया कह रही हो, फेंक देंगे फोन उठा के। बन जा रहा तो टेस्ट करके बताइए बुआ जी कैसा है। बुआ जी पानी लेके आ रहे हैं। इतना भी नहीं है तुम्हारी पतों को ना कि कभी पैर दबा दे हमारा। अरे दीदी पैर में दर्द है, आप बताएं भी नहीं हमको। अरे हम दबा देते, हम अभी बुला रहे हैं। बेटा दर्द नहीं कर रहा है तो ऐसे नहीं, क्या आदमी झूठ मूठ नहीं दबाता है? टीवी वीवी में नहीं देखते हो जैसे? अच्छा हाँ मम्मी जी, अब बताओ तुमको इतना भी शऊर नहीं है? ये नहीं कि बुआ जी का पैर दबा दें झूठ मूठ का ही है, जैसे सब टीवी वीवी में नहीं आता है वैसे दबा दे बुआ जी का पैर, तब ना बुआ जी खुश होके फट से अपना हार निकाल के दे देंगी तुमको।
कहाँ मेरे पास था, हम तो खुद ही नकली पहने हैं। हुआ क्या? भाभी? हाँ दीदी। अरे वहाँ मम्मी का इतना सर दर्द कर रहा है, ये नहीं कि थोड़ा सा तेल रख दें, या कहाँ जा रही हैं आप? हम उनसे पूछे तो वो बोली कि मेरा सर दबाने से और दर्द करता है तो ना दबाएं हम। अरे तो दवा तो पूछना चाहिए ना। दवा के लिए भी पूछे तो मना कर दी, उसके बाद कुछ कही नहीं। तो खुद से तो कहेंगी नहीं, हमारी सास खुदा के कहती है, उम्मीद होती है ना कुछ बहू से, ये तो बहू का फर्ज है ना। और बेटी का क्यों, तुम तो पहले देखी तो तुम ही दबा दी होती, सारा ज्ञान हमारी बहू को ही देना है। तुम अपनी सास का देखो, हम अपना समझ लेंगे, ठीक बेटा? देखिए आप लोग फिर अपना समझिए, ठीक है? सोच रहा हूँ ऊन खरीद के जीजा के लिए तुम्हारे स्वेटर बनवा ले। वाह, फूफा जी तो एकदम खुश हो जाएंगे। क्या दीदी, अभी गर्मी बीता नहीं कि स्वेटर बनाना है, तो जाड़ा आ जाएगा तब थोड़ी ना बनाएंगे हम। हाँ लेकिन ये बात भी सही है, हम भी सोच रहे हैं बना ले। और तुम काहे बनाओगी, तुम्हारी पतो है ना बनाने को? उसको नहीं आता सिलाई कढ़ाई बुनाई, कुछ नहीं आता? नहीं नहीं, फट से कह देती हो लड़कियों को ये सब आना चाहिए। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई क्या, लड़कियों को आना ही चाहिए? उस हिसाब से तो हर लड़के को खेत भी जोतने आना चाहिए। क्या हो गया भाई, इतना क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारे खेत जोतने की बात हुई थी। पागल अगल हुई हो क्या? अरे बुआ कह रही है आता है तुमको। बुआ? हम ही को बोलो तुम लोग। सब पागल हो गए मेरे घर में। भाभी सब तैयारी हो गई? अरे दीदी भाई की शादी की जितनी भी पैकिंग कर लीजिए काम है, हम तो पहले ही बता दे रहे हैं हमको सबसे अच्छी वाली साड़ी चाहिए। आपके यहाँ से आएगा ना? आपके लिए तो मम्मी खरीद ली है। सास ससुर आदमी को तो आता ही है, फुआ सास को आता है, उनके परिवार को आता है, ननद को आता है, कहा सभा चल रही है ननद भौजाई की। मम्मी भाभी को बता रहे थे कि क्या क्या आता है, तो ऐसे ही बता रही हो? ए जाओ जी डायरी पेन लेके आओ, तब ना लिखोगी किसको किसको क्या क्या आएगा। हाँ अब लिखो। हाँ मम्मी जी। सास ससुर पति ननद दामाद उनके बच्चे उनकी जेठानी देवरानी उनके जेठ उनकी जेठानी और जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको लिख ली। हाँ मम्मी जी। अब फाड़ दो, कर्जा खाए हैं वो लोग हमारा, अपने घर का शादी कर रहे हैं, न्योता दे रहे हैं तुमको, साड़ी भी नहीं यहाँ, कैसे एकदम ससुराल वालों की तरफ ने बात कर रही हो? कुछ नहीं नाना जी, चाय पिएगा कोई? ए नीति देखो मानसी को ले आए। प्रणाम मामी। आती नहीं हो, आया करो। हाँ बुआ जी। अरे मानसी इसका खाता खुलवाना था, बैंक में ही काम करती हो ना तुम, हो गया? कैसे होगा, ये मानसी का साइन की है, इनके डॉक्यूमेंट पे हर जगह ऋतु लिखा हुआ। अरे उसी का नाम है। मम्मी जी कहीं कि ससुराल के ही नाम से खाता खुलवाओ तो वही नाम लिख दिए। ठीक की लिख के, उसी का नाम है। इसी का नाम है मतलब? हमारे यहाँ बदल दिया जाता है नाम, नाम ही बदल देते हैं। तुम्हारा भी बदल देना चाहिए था। कहा इतना अच्छा उसका नाम, हम क्यों बदलें? हमारी लड़की का बदलाता तो अच्छा लगता हमको। हमारा नाम खुद ही पुष्पा से कुसुम कर दिया गया, क्या बढ़िया नाम नहीं है? बहुत अच्छा नाम है। तुम्हारा नाम बदल दिया और तुम कुछ कही भी नहीं। वो क्या कहेगी, आपका मायके वाला नाम क्या है? नहीं नहीं बेटा, यहाँ पुनर्जन्म नहीं होता है। अकाउंट तो रितु के ही साइन से खुलेगा, रितु ही कर दो, हमें तो अच्छा लगता है नाम। खाना तो बहुत बढ़िया बना है, और कुछ दे दीदी, थोड़ा सा अचार दे दो। पतो कहाँ तुम्हारी? यहाँ है बुआ जी। क्या जी? ये लीजिए अचार, अभी जाके लेट गई थी, आज तीसरा दिन था महीना का, थोड़ा दर्द हुआ होगा। महीना में अचार छू दी? अरे छूने से पूरा अचार खराब हो गया, खाने लायक नहीं रहेगा। हाँ सही में, फिर तो पूरा अचार मेरा। रख दो तो चुपचाप, अचारे खा रही हैं कब से, खाना भी यही बनाई है। सब लोग खाया भी? और आपको क्या लगता है, जितने दिन ये नहीं थी तो क्या आपके भैया और भतीजा क्या अपना जांगर चला के खाए हैं? हम ही ना बना के दे रहे थे, तब कैसे नाश्ता करती थी आप? अचार भी बढ़िया है। और दे दो। मम्मी जी। अरे दीदी आप कब आई? अब आप उठी रहेंगी तब ना आपको पता रहेगा कि कौन आया है कौन नहीं।
अरे नहीं दीदी, आज सैटरडे है ना, तो मम्मी बनाती है खाना, इसलिए हम थोड़ा ज्यादा सो लेते हैं, ऑफिस भी नहीं रहता। कुछ बनाया आपके लिए, पकौड़ी वगैरह? अरे पिछली बार भी आए तो आप सो रही थी, तो पिछली बार भी तो तुम शनिवार को ही आई थी। अच्छा अपने घर में रहती हो तो पूरा ध्यान इधर कैसे रहता है तुम्हारा? अपने घर पे ध्यान दो, हम इधर देख लेंगे बेटा। हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। बना दीजिए पकौड़ी भाभी। ठीक है मम्मी जी। हाँ बेटा, हम निकल रहे हैं। हाँ हाँ जाओ। क्या जी, हो गई तैयार? मम्मी क्या जा रहे हैं, वो जन्माष्टमी की पूजा है ना। नहीं नहीं ठीक है, जाओ जाओ। वो जी शाम में आएंगी ना? अरे काहे नहीं आएंगे, तुम्हारी मम्मी फोन की थी। हम फूफा जी दोनों लोग आएंगे। हाँ हाँ हम लोग भी साथ ही आएंगे। पर इतना बड़ा बैग काहे ले जा रही हो? रुकेंगे ना। अच्छा शनिवार को आओगी? नहीं मंडे को आएंगे, ऑफिस वहीं से चले जाएंगे, उसके बाद आएंगे। दो दिन रुकोगी वहाँ पे? हाँ अपना रह के आएगी दो तीन दिन, काहे इतना रुकोगी, यहीं मायका है। अब इतना पास मायका हो तो रुका थोड़ी जाता है। हम आते हैं रुकते हैं। अरे आप तो हर हफ्ते आती है ना, मतलब है आप समय निकाल लेती हैं अपने परिवार के लिए, इसको कहाँ इतना सहूर है। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम बुआ जी। हाँ खुश खुश रहो, खुश आइए मत दीदी। का ना आया करें क्या, हमारी इतनी हिम्मत हम आपको मना करें? अरे दीदी 2:30 बजे तक का ही साइड है, पहन के तैयार हो जाइए। तुम भी पहनो ज्योति। हाँ मम्मी पहन रहे हैं। हाँ हाँ हमको तो वैसे भी चटक रंग ही पसंद है, हमारे लिए हम नीली वाली लिए थे, हम लिए थे तुम्हारी भाभी के लिए, इसीलिए तो हमको पता है ना अपनी बहू के लिए ज्यादा अच्छा तुम लियोगी। अब पतों का तो इतना मान है कि पूछो मत। टीवी सीरियल वाली ननद हो क्या जी? अब हमसे ज्यादा किसी का पूछोगा तो हमको बुरा नहीं लगेगा मेरे ही घर में? तुमको ज्यादा मानेंगे उसको कम मानेंगे, और तुम्हारी भाभी तुमको खुद ही इतना मान रही है, एक बार बोले हैं तुरंत देखो साड़ी दे दी तुम्हें। अच्छी लग रही है। अरे वाह बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यार, ये तो इससे भी अच्छा है मम्मी। दीदी आपको ये वाली पसंद है क्या? हाँ तो आप ये ले लीजिए। नहीं अब आप खरीदी है तो आप पहनिए ना। तो क्या हो गया, एक साड़ी तो है। अब तो जुठार दी, अब तो का चाट के दे रही है क्या? क्या बुआ, तीज पे आप अच्छा ये वाली पहन लीजिए और हम आपके लिए ऑनलाइन मंगा देंगे, भी ऑनलाइन ही मंगाया। अच्छा ठीक है चलिए, अभी तो पूजा कर लिया जाए फिर देखेंगे। हमको भी मंगा लेना दीदी, जुठारा हुआ। ठीक है बुआ जी।